हेलो गाइस, आज के वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाली है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये हमारा 0.25 के भी स्टेबलाइजर का ये ऑटो किट, और इस वीडियो में आपको इस किट में किए जाने वाले सभी टर्मिनल का कनेक्शन के बारे में A to Z में आपको बताने वाला। तो सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद इस किट का कनेक्शन के बारे में आप 100% सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो आपके बड़ा सा ऑरेंज कलर का जो कंपोनेंट दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा रिले होता है और ये सभी कंपोनेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके ये ब्लू कलर का जो 202 का जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इसको हम क्या करते हैं, टेस्टर या पेचकस के साथ ऐसे घुमा करके ओवर वोल्टेज के लिए यहाँ पर इसको सेटिंग किया था ऑटो कट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है 6 1 2 3 4 5 6, इसका क्या क्या था, बैक साइड में इधर टर्मिनल जो दिया गया, यहाँ पर इसका कनेक्शन क्या था, और सभी टर्मिनल का अलग अलग यहाँ पर पॉइंट दिया गया। देखिए यहाँ पर ये जो GC दिया गया, इसमें हम क्या करते हैं वोल्ट मीटर और जो हमारा सॉकेट का फेज वाला जो पॉइंट होता है, इसमें हम क्या करते हैं इस टर्मिनल में GC टर्मिनल में हम इसका कनेक्शन करते हैं, ठीक है। और इसमें जो यहाँ पर जो 12 वोल्ट दिखाई पड़ रहा है, ये हमारा जो ट्रांसफार्मर से जो 12 वोल्ट का जो लूप निकलता है टर्मिनल, उसमें हम क्या करते हैं 12 वोल्ट में कनेक्शन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो RC पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, इसमें स्टेप और स्टेप डाउन के लिए जो स्विच लगाया जाता है, उस स्विच से जो टर्मिनल निकलता है उसका हम यहाँ पर RC पॉइंट पर यहाँ पर इसका कनेक्शन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो GL जो टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है, इसमें ग्रीन लाइट का पॉजिटिव टर्मिनल का कनेक्शन करते हैं। और यहाँ पर जो R लाइट का जो यहाँ पर जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है ये वाला, इसमें हम क्या करते हैं जो हमारा रेड लाइट होता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल के यहाँ पर कनेक्शन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो MC जो पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, इसमें MC का मतलब होता है मेन कॉमन, ठीक है, मेन कॉमन वायर। तो जो हमारा मेन न्यूट्रल का जो वायर होता है, इसमें हम क्या करते हैं इसका कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो सो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कनेक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।